हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर वी एस के रेड्डी एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स लास्ट लेक्चर में हमने एच सी वर्मा सर की किताब में से कंसेप्ट स्टडी किया था फ्रीली फॉलिंग बॉडी अब उसी के रिलेटेड कुछ एम सी क्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं जो भी एम सी क्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो लेवल वन के है बेसिक है ओके okay? तो इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज या पी वाई क्यूज ऑन दिस टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी तो शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन नंबर वन अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ट्वेल्व मीटर पर सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर टेन सेकंड इज ओके तो यहां पे सिचुएशन क्या है देखिए एक स्टोन दिया है ओके स्टोन

उस बलून से डिटैच हो रहा है ओके? Okay? ऐसा करके चलते हैं। तो ये स्टोन से डिटेच हो रहा है जैसे ही वो डिटेच होगा तो उस बलून की जो भी वेलोसिटी होगा उस स्टोन को मिलेगा तो देफोर स्टोन जो भी है वो नीचे आएगा विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड सो दिस इज द इनिशियल फिलोसिटी ऑफ द स्टोन एज सुन एज ए डिटैच द बल्यून ओके सो जैसे डिटैच हुआ वहां से लेके टेन सेकंड तक उसका कितना डिसप्लेसमेंट हो चुका है वो हमें फाइंड आउट करना है तो यहां पर टाइम की वैल्यू दिया है विच इज इक्वस टू टेन सेकंड और सेकेंडली यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वस टू क्वेश्चन मार्क और एक्सेलरेशन जो भी होगा वो बलून का इट इज अ फ्री फॉल देयरफॉर एक्सेलरेशन एक्सलेशन टेक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके सो यू पता है इनिशियल वेलोसिटी टी पता है एस पता करना है जी पता है तो इन चारों में एक इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो और वो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो जस्ट वैल्यू सब्टिट्यूट कर देंगे यू की वैल्यू कितना है ट्वेल्व है मल्टीप्लाइड बाय टेन जो कि टाइम की वैल्यू सब्टिट्यूट किया है वन बाय टू ए की वैल्यू कितना है सॉरी इट्स इट शुड बी जी यहाँ पे एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो नाइन पॉइंट एट इन टू टेन का स्क्वेयर होगा हंड्रेड सो दिस इज इक्व टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी प्लस ये नाइन हंड्रेड एंड एटी हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू यानी फोर हंड्रेड एंड नाइनटी हो जाएगा दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर सो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बेलून का टेन सेकंड में इट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ टेन मीटर ओके एक बॉल को यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं जब बॉल को किसी भी बॉल को हम जस्ट ड्रॉप करेंगे तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ टेन मीटर ओके इट रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ टू पॉइंट फाइव मीटर वो रिबाउंड कर रहा है कितने हाइट तक रिबाउंड कर रहा है वापस आ रहा है टू पॉइंट फाइव मीटर तक इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर जीरो पॉइंट जीरो वन सेकंड अगर इतने सेकंड के लिए वो बॉल उस फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है तो द एवरेज एक्सेलेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज तो अब हमें टाइम इंटरवल पता है कि कितने देर के लिए वो उस फ्लोर के कॉन्टैक्ट में हैं तो उस फ्लोर के कॉन्टैक्ट में रहते वक्त उस बॉल की वेलासिटी कितना चेंज हो रहा है अगर वो पता चल जाता है तो हम एवरेज वेलासिटी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिचुएशन ड्रॉ कर लेंगे द सिचुएशन इज़ लाइक दिस वन मान के चलिए कि यहाँ से हम उस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं अप टू दिस वन फ्लोर है ओके okay? सो so, ये जो भी हाइट है इस हाइट को हम h1 वन से रिप्रेजेंट करेंगे दिस वन इज एच वन सेकेंडली जैसे वो बॉल यहां से ड्रॉप करेंगे तो यहां तक आएगा यहां से के बाद वो रिबाउंड होगा अप टू दिस हाइट ओके तो इस हाइट तक वो बॉल रिबाउंड कर रहा है इस हाइट तक वो बॉल रिबाउंड कर रहा है तो ये जो भी हाइट होगा फ्रॉम द फ्लोर दिस हाइट लेट एस कंसीडर दैट दिस हाइट इज अच टू तो ये पहला जो भी था दिस वन इज अच वन ये जो भी हाइट है आफ्टर रिबॉन्ड दिस इज इक्व टू एच टू ओके जब इस बॉल को यहाँ से हमने रिलीज किया था उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था जीरो था जब वो बॉल यहाँ पे पहुँचेगा जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हम वी वन करेंगे ओके okay. सो so, जब वो रिबाउंड होके कुछ एनर्जी वहां पे वो वेस्ट कर रहा है तो रिबाउंड होने के बाद जब वो ऊपर उठ रहा है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पे वी टू कंसिडर करेंगे जब वो इस हाइट तक पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो जाएगा जीरो ओके okay? तो यहाँ पे दो अलग स्लॉट्स हम कंसिडर करेंगे दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन दिस वन इज द सेकेंड सिचुएशन अब हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है दैट इज अ वी स्क्वेयर इज इक्वस टू यू स्क्वेयर प्लस टॉइस ए एस अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे अब पहले सिचुएशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो पहले सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा सो दे फॉर द फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे आएगा वी स्क्वेयर इज इक्वस टू टॉइस जी एस क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है ओके okay, और यहां पे एस के जगह पे हम एच वन कंसिडर करेंगे क्योंकि पहला सिचुएशन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दिस इज एच वन ओके तो वी की वैल्यू कितना होगा बेटा सो वी वन की वैल्यू यहाँ पे हम वी वन वेलॉसिटी ले रहे हैं फाइनल वेलोसिटी दिस वन सो वी वन होगा अंडर रूट ऑफ टॉयस जी एच वन ओके तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे नाइन पॉइंट एट लेंगे और टेन है हाइट क्योंकि टेन मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ओके okay? जब हम ये वैल्यू सब्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय टेन सो दिस इज इक्वस टू जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट करने के बाद ये जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा स्क्वायर रूट है ओके सो इट शुड बी इक्वस टू फोर्टीन मीटर पर सेकंड सो रिबाउंड होने से पहले उसकी वेलोसिटी हमें मिल चुका है विच इज इक्वस टू फोर्टीन मीटर पर सेकंड आफ्टर रिबॉन वेलोसिटी कितना होगा अगर सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसमें जीरो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी टू है ओके okay? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगा डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच टू ओके और एच टू की वैल्यू कितना है टू पॉइंट फाइव है जब हम वैल्यू सप्टीट्यूट करेंगे वैल्यू सप्टीट्यूट करने के बाद टू मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी टू की वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे सेवन अंडर रूट ऑफ फोर्टी नाइन आएगा ओके सेवन मीटर पर सेकंड अब वी वन पता है रिबाउंड होने से पहले वेलोसिटी या फ्लोर को कॉन्टेक्ट में आने से पहले की वेलोसिटी और फ्लोर को छोड़ने से के बाद की वेलोसिटी दैट इज़ अ वी टू तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा इस केस में चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू सेवन दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जब कंपेयर करेंगे अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं ओके okay, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो निगेटिव होगा इसलिए माइनस फोर्टीन यहाँ पे लिखा है सो दिस इज इक्वस टू आएगा ट्वेंटी वन चेंज इन वेलोसिटी जो भी हो रहा है ट्वेंटी वन मीटर पर सेकंड इतनी चेंज इन वेलोसिटी है अब फाइनली हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन दैट टाइम इंटरवल सो चेंज इन वेलोसिटी कितना है ट्वेंटी वन है और ये कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इतना वैल्यू निकल के आ रहा है इस एक्सेलरेशन का दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम ओके दे टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड द रीजन फॉर दिस इज ओके तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम इज सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइज एंड मास ऑफ द बॉडी ओके जो कि करेक्ट है सेकेंड रीजन क्या है वो देख लेते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी जो कि गलत है दिस वन इज़ अ रॉन्ग वन देर इज नो एक्सेलेशन डू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम ओके तो ये भी गलत है क्योंकि एक्सेलेशन डू टू ग्रेविटी वैक्यूम हो या कुछ भी हो वहाँ पे एक्सेशन रहेगा ही क्योंकि फोर्स एक्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस फोर्स की वजह से एक्सलेशन बॉडी में रहेगा ओके okay? और जो एक्सेलेशन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेक्स्ट देखेंगे इन वैक्यूम देर इज अ रजिस्टेंस ऑफर टू द मोशन ऑफ द बॉडी भैया वैक्यूम है तो रजिस्टेंस कैसे ऑफर होगा एंड द दिस रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी सो ये भी गलत है ओके okay? तो ये सही कब होगा अगर एयर में एयर मीडियम में अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे तो उस वक्त डेफिनेटली ये इफेक्ट हमें देखेगा लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं देखेगा वैक्यूम में तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन और इसी के रिलेटेड एक लिंक ओके okay? जो एक्सपेरिमेंटली एक जगह को वैक्यूम किया गया और उस वैक्यूम में एक हेवी बॉल और एक फेदर तो दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है तो दोनों का एक्सलेशन सेम होगा इन द वैक्यूम तो उसका एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको वीडियो का लिंक प्रो, प्रोवाइड करूंगा प्लीज़ उस लिंक को देखिए ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सके तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉल पी इज ड्रॉप वर्टिकली ओके सो ये वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो होगा एंड अनदर बॉल क्यू इज थ्रोन हॉरिजेंटली विथ सम वेलोसिटी ओके इट शुड बी सम वेलोसिटी फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम दोनों का दोनों जो भी ड्रॉप कर रहे हैं या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे ये सेम टाइम पर हम कर रहे हैं और सेम हाइट से कर रहे हैं इफ एयर रजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड देन तो यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है इट शुड बी सम वेलोसिटी ओके कुछ वेलोसिटी से उसको हॉरीजेंटली हम थ्रो कर रहे हैं तो सिचुएशन कैसा देखिए सिचुएशन इज लाइक दिस वन यहाँ पे हम एक हाइट कंसिडर करेंगे ओके सो दिस इज अजेंटल सरफेस और यहाँ पे ओके okay, तो ये बिल्डिंग हम इमेजिन करते हैं और इस बिल्डिंग से एक पहले बॉल जो भी है इस बॉल को हम जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं ओके यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये जो भी बॉल होगा ये जस्ट ड्रॉप होगा नीचे के डायरेक्शन में अब अगर ड्रॉप किसी भी चीज़ को करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा जीरो होगा ओके और ये अंडर ग्रेविटी फॉल होगा यहाँ पे आके गिर जाएगा सेकंड जो भी बॉल है दैट इज क्यूब बॉल

अगर सिर्फ हम वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों को इमेजिन करते हैं तो दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और दोनों अंडर ग्रेविटी फॉल होने वाले हैं एक का जो भी पाथ होगा ओके एक का पाथ जो भी होगा वो लाइक दिस वन होगा पी बॉल का और क्यू का जो भी पाथ होगा इट इज लाइक दिस वन वो यहाँ पे आके गिर जाएगा बाद में यहाँ पे आके गिर जाएगा बॉल ओके सो दोनों की पाथ डिफरेंट है वो पाथ से हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो था दोनों अंडर ग्रेविटी फॉल करें तो एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दोनों सेम टाइम पर हमको छोड़ रहे ओके okay, तो टाइम अलग अलग भी होता तो यहाँ पे अगर सेम टाइम पे छोड़ रहे तो सेम टाइम पे ये ग्राउंड पे पहुँचेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पाथ क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो था इसकी जो भी वेलोसिटी ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है विद दिस वेलोसिटी लेकिन वो यहाँ पे मैटर नहीं करता इसलिए दोनों के दोनों बॉल सेम टाइम पे रीच होना चाहिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होता है इन दोनों केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस शुड बी इक्वल्स टू टू एच अपॉन जी तो इतना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा दोनों के लिए हाइट सेम है ओके और दोनों के लिए एक्सलेशन की वैल्यू सेम है देयरफॉर टाइम सेम लगेगा क्योंकि ये जब भी फार्मूला आता है ओके okay, इस केस में ये फार्मूला तभी आता है जब इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो कंसीडर करते हैं तो ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ओके एक बॉल को यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये ग्राउंड सरफेस है ओके okay? तो कितनी वेलोसिटी उसकी 100 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी से उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली तो ये बॉल इतने वेलोसिटी से हम जब ऊपर थ्रो करेंगे तो अंडर ग्रेविटी थ्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका डी एक्सेलेशन होगा एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद ड्यू टू तो एक्सलेशन वो और नीचे आएगा ओके और उसी जगह पे आके गिर जाएगा अगर ये पूरे पाथ जो भी है उसका हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मिलता है तो कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को वो हमें यहाँ पे मिलेगा अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो भी है अगर वन डायरेक्शन में सोचते हैं हम ओके सो तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू होता है यू अपॉन जी दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट क्या होता है हमने थेरी के लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया है अगर आपने थेरी नहीं किया है तो वो पहले लेक्चर देखिए बाद में ये क्वेश्चन को आप समझिए उसके बाद ऊपर से जब नीचे आएगा नीचे आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है दैट इज द टाइम ऑफ डिसेंट विच इज ऑल्सो इक्व टू यू अपॉन जी अगर एयर रजिस्टेंस नहीं है ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वस टू टाइम ऑफ डिसेंट तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा इट शुड बी इक्वस टू टू यू अपॉन जी तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 है और एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी के वैल्यू हम टेन लेंगे क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सिमेटली बोला है सो so, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा ट्वेंटी सेकंड ओके द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन ट्वेंटी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट थ्री सेकंड ओके यानी लास्ट सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना उसने स्टार्टिंग के थ्री सेकंड में किया है द बॉडी हैज़ फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का पाथ कंसिडर करते हैं ओके okay? मान के चलिए कि बॉडी का जो भी मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ अब जब उसको ड्रॉप किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो है और ये अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो यहाँ पे एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होगा स्मॉल जी होगा अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो मान के चलिए कि थ्री सेकंड में फर्स्ट थ्री सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यानी बॉडी को यहाँ तक आने के लिए तीन सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है दिस डिस्टेंस विच इज़ इक्व टू एच कंसिडर करके चलते हैं और आखिरी के सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मान के चिली की बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अब ये डिस्टेंस पहले तीन सेकंड में जो ट्रैवल कर रहा है और लास्ट सेकंड में जो ट्रैवल कर रहा है दोनों डिस्टेंस यहाँ पे सेम दिए गए हैं इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट थ्री सेकंड ओके तो अब मान के चिली की टोटल जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो एन सेकंड इतने ट्रैवल कर रहा है ओके okay? तो पहले तीन सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि इसका मोशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो सो यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एच इज इक्वस टू वन बाई टू जी टी ये थेरी में हमने इसको देखा था ओके okay? अब टी की वैल्यू कितना है थ्री सेकंड है तो इसकी वैल्यू आएगा यहाँ पे नाइन बाई टू यानी टी की वैल्यू अगर थ्री सब्टीडियो करता हूँ तो थ्री का स्क्वेयर होगा नाइन सो नाइन बाई टू इंटू जी सो नाइन बाई टू इंटू जी ओके तो ये एच की वैल्यू हो गया अब इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अब इनका कहना है कि इतना ही डिस्टेंस वो लास्ट सेकंड में ट्रैवल करेगा और लास्ट सेकंड कौन सा से हमें पता नहीं है तो वो एन एच सेकंड हम कंसिडर करेंगे अब हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला तैयार है तो आखिरी इसमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एन एथ सेकंड में दिस इज इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस लेकिन इनिशियल वेलासिटी जीरो है प्लस यहाँ पे जी बाई टू इन टू टॉइस एन माइनस वन ओके ये सब कर देंगे हम अब यहाँ पे ये यह जो भी एन एथ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है देरफोर इन दोनों क्वान्टिटी को हम इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जी बाई टू ट एन माइनस वन इज इक्व टू जी बाई टू इन सॉरी नाइन बाई टू यहाँ पे नाइन बाई टू इं टू जी ओके तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे जी जी गेट कैंसल वन बाई टू वन बाय टू गेट कैंसल ओके तो यहाँ पर बचा क्या है टॉइस एन माइनस वन इज इक्व टू नाइन है ओके okay? तो ट्वाइस एन की वैल्यू हो जाएगा टेन तो इसके बेसिस पे एन की वैल्यू निकल के आ गया फाइव मीन्स फिफ्थ सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो फिफ्थ सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था ये निकल के आ रहा है अब टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ से लेके ला आखिरी तक तो उसको कितना टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली फाइव सेकंड तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स एंडली टूवर्ड्स फ्रॉम द सेम हाइट एक्सैक्टली वन सेकेंड लेटर ओके यहाँ पे सिचुएशन कैसा देखिए? यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके का है एक हम हाइट कंसिडर करते हैं और इस साइड से एक बॉल को थ्रो करने वाले है ओके okay? और वो बॉल है ये वाला अब जैसे इस बॉल को हम छोड़ेंगे इस ग्रेट हाइट से बहुत ज्यादा हाइट है तो एक सेकंड में इस बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ऐसा मान के चलते हैं अब एक सेकंड के बाद जब ये एक सेकंड में फर्स्ट बॉडी यहाँ तक पहुँच रहा है तो दूसरा बॉडी हम इसको छोड़ने वाले हैं ओके तो ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है दोनों में फिलहाल टाइम इंटरवल कितना है एक सेकंड का है ओके okay. अब यहां पे इनका कहना है कि द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज टू सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकंड बॉडी यानी ये सेकंड बॉडी रिलीज करने के बाद दो सेकंड बाद ओके okay? तो अब थोड़ा अगर हम इस बॉडी के बारे में सोचते कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है एक सेकंड का है ओके okay. अब दोनों बॉडीज नीचे आ रही है दोनों बॉडीज नीचे आ रही है दो सेकंड बाद दो सेकंड बाद ये जो भी बॉडी है सेकंड बॉडी यहां तक आ चुका होगा और ये बॉडी यहां तक आ चुका होगा अब यहां पे दो सेकंड के बाद इन दोनों में डिस्टेंस कितना डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है ओके सेपरेशन डिस्टेंस कितना है तो सेकेंड बॉडी जो भी है दो सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसको हम एच टू कंसिडर करते हैं ये सेकंड बॉडी है ओके okay? और फर्स्ट बॉडी यहां तक आ चुका है उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम एच वन कंसिडर करते हैं दिस इज द द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बॉडी अब एच बॉडी को कितना वक्त लग रहा है सॉरी फर्स्ट बॉडी को कितना वक्त लग रहा है तीन सेकंड और सेकेंड बॉडी को यहां तक पहुंचने के लिए कितना सेकंड लगा दो सेकंड एच टू इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ओके okay? तो अब हम क्या करेंगे अब हमें टोटल सेपरेशन डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है दिस शुड बी इक्वल्स टू एच वन माइनस एच टू अब एच वन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इस बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था ओके okay? और वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है उसका मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा अंडर ग्रेविटी वो फॉल कर रहा है तो एच वन इज इक्वल टू वी कैन राइट इट इज इक्वल टू हाफ जी इन टू थ्री सेकंड स्क्वायर टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है फर्स्ट बॉडी के लिए थ्री सेकंड माइनस एच टू कैसा आएगा वन बाई टू जी इन टू टू सेकंड का स्क्वायर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे g वन बाय टू जी को कॉमन निकाल लेते हैं ओके okay? g बाय टू को कॉमन निकाल लिया यहां पे आ गए ये नाइन माइनस फोर ओके सो ये नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेपरेशन डिस्टेंस जो भी मिलेगा हमें दिस शुड बी इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर में जो भी सेपरेशन डिस्टेंस है सेकंड बॉडी आफ्टर टू सेकंड ओके सेकेंड बॉडी रिलीज करने के बाद दो सेकंड बाद इन दोनों में सेपरेशन डिस्टेंस होगा इट शुड भी ऑप्शन डी इज करेक्ट वन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम The the top of the tower touches the ground in 4 इन The height of the tower is about बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ओके okay? तो हमें सिर्फ हाइट फाइंड आउट करना है कितने डिस्टेंस के लिए उसने ट्रैवल किया फोर सेकंड के लिए और उसको ड्रॉप किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो है तो इस केस के लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इसके पहले के फॉर्मुला भी यूज किया था तो टोटल डिस्टेंस टावर इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क् क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके, सो दिस वन इज़ टू बेटर लगेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है टेन मल्टीप्लाइड बाय अब यहां पे डिस्टेंस स्क्वायर सॉरी टाइम स्क्वायर टाइम का वैल्यू फोर फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन ओके okay? सो so, वन सिक्सटी डिवाइडेड by टू और ये हो जाएगा 80 मीटर 80 मीटर सो एच की वैल्यू जो भी है दिस इज equals टू 80 मीटर so, तो 80 मीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन तो बच्चों, ये था आखिरी क्वेश्चन इसी तरह हमें बहुत सारे MCQ सॉल्व करना है आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कोचेस आपको मिलने वाले हैं साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी मिलेंगे कंसेप्ट हमें एच सी वर्मा सर की किताब में से पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ओके उसने जितने भी कंसेप्ट दिए होंगे उसमें हम सभी कंसेप्ट को वहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे और उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे एम भी देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय